हेलो गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ, ये गेंदे का मदर प्लांट है और ये कुछ ही दिनों में कलियाँ इसकी पूरी हो गई हैं और कुछ ही दिनों के बाद इसमें अब कली भी नहीं आएगी और फ्लावर भी नहीं होगा और मेरा पेड़ भी फिर खराब ही हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर पेड़ पौधा आपके बागीचे में बना रहे इसके लिए आपको क्या करना है कि इसी में से कुछ ऐसे ब्रांच हैं, ये जैसे मैं इसको निकाल रही हूँ, इसमें कली भी नहीं आई है, ये ब्रांच हम इसको कट कर लेंगे। इस ब्रांच को मैंने कट कर लिया। इसी तरह मेरे पास कई गेंदे का प्लांट है और मैं कई कट करूंगी इसी तरह। और मैंने कट करके पहले से ही रखा है, ये देखिए, और मैंने सुबह इन सभी को कट करके ऐसे ही कट करके रखा है। अब मैं इन सभी को लगाऊंगी तो इससे क्या होता है कि बागीचे में प्रॉपर गेंदे का प्लांट आपके बने रहेंगे और फरवरी मार्च तक फ्लावरिंग होती रहेंगी। मदर प्लांट जब नहीं देगा फूल तो फिर ये प्लांट देना शुरू कर देगा और इसमें ग्रो भी हो जाएंगे। सब कटिंग है, इनको सब मैं कटिंग से लगाने जा रही हूँ कि कैसे लगता है ये। ये रूटिंग हार्मोन है और इसको मैं थोड़ा सा निकाल लूंगी। ऐसे ही लग जाते हैं, बगैर रूटिंग हार्मोन से भी गेंदे का कटिंग लग जाता है, लेकिन मेरे पास है इसलिए मैं लगा रही हूँ। आपके पास ना हो तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। इसको सबको मैं ऐसे लगा दे रही हूँ। कई कटिंग्स मैंने सुबह ही कलेक्ट कर लिया था, कई पेड़ों में से निकाल लिए थे और इसलिए मुझे गेंदे का फूल बहुत ही सुंदर। देखिए, मैंने कई लगा चुके हैं और ये अब फिर ये लगा रही हूँ रूटीन हार्मोन लगा के। इससे क्या होगा कि आपके बागीचे में फूल की कमी नहीं होगी। मदर प्लांट के खराब होने से पहले ही फिर छोटे छोटे प्लांट ये तैयार हो जाएंगे और फूल भर भर के आने लगेगा। ये देखिए, मैंने कई कटिंग्स लगाए हैं। इसके पहले भी मैंने एक लाइन से, ये देखिए, ये सब मैंने कटिंग लगाए हैं। ये देखिए, ये कटिंग लगाए हैं सब मदर प्लांट से लेकर जिसमें कली नहीं आई थी उन सभी को मैंने कट किया और लगा दिए, ये देखिए एक लाइन से। और ये 15 दिन में आपका जो है बड़ा भी हो जाएगा और फ्लावरिंग भी आ जाएगी इसमें। बस तो तकलीफ, बाय, नमस्ते।